हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग वल्ली में। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने एक कमांड दिया था, लोकल होस्ट कोलन 3000। जैसे ये हमने कमांड दिया था, ये हमारे पास आउटपुट आया था एक्सप्रेस वेलकम टू एक्सप्रेस। ये कैसे आया था और ये लोकल होस्ट 3000 है क्या, आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा था लोकल होस्ट 3000, जैसे इसको हमने एंटर किया था ये खुल के आया था दोस्तों। तो आपको हम बता दें, ये जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट है क्या। तो दोस्तों ये जो लोकल है होस्ट है, लोकल होस्ट हमारा सर्वर का नाम है, नेम सर्वर नेम, सर्वर नेम, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सर्वर नेम है। और इसके जस्ट पास ये 3000 है, इसको हम कहते हैं सर्वर का पोर्ट नंबर। ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, 3000 को, ये जो 3000 है इसको हम कहते हैं सर्वर का पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर। अब बात आती है कि ये हमने लोकल होस्ट और ये 3000 लिखा, उसके बाद एक्सप्रेस वेलकम टू एक्सप्रेस कहाँ से आया। तो दोस्तों आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इंडेक्स डॉट जेएस का ये खोलते हैं फोल्डर, और इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वायर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस वायर राउटर, यहाँ पे राउटर बना। ये राउटर अभी हम आपको बताते हैं क्या है, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएगा जब आप वहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कहाँ से, कमांड प्रॉम्प्ट से। अब इसमें दोस्तों रिस्ट डॉट रेंडर, रिस्ट मतलब रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स करेगा, रेंड करेगा इसको, कहाँ रेंडरिंग हो रही है, इंडेक्स। हम किस टाइप के फॉर्मेट बना रहे हैं दोस्तों, ई जी एस, तो जे इंडेक्स डॉट ई जी एस में सीधे रेंडरिंग कर रहा है। तो इंडेक्स डॉट ई जी एस कहाँ है दोस्तों, ये हमारा बनेगा व्यूज में, ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट ई जी एस। अब इस ये जो टाइटल है इसको हम कहते हैं की, और इसको कहते हैं वैल्यू, इसको कहते हैं की, इसको कहते हैं दोस्तों वैल्यू। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे रेस्ट डॉट रेंडर जैसे हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम इंडेक्स, तो सीधे कहाँ जम करेगा, इंडेक्स में, इंडेक्स डॉट ई जी एस में, क्योंकि हम शुरू में ई जी एस भी बनाए थे दोस्तों, क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे जाएंगे हम तो एक एचटीएमएल टाइप का एक चार्ट खुल के आ जाएगा, जिसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइटल, जो टाइटल है, टाइटल की यहाँ पे वैल्यू क्या थी दोस्तों, टाइटल की यहाँ पे वैल्यू थी, आइए यहाँ से, जो टाइटल की वैल्यू थी वो थी एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों, टाइटल की वैल्यू क्या थी, एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये बाई डिफ़ॉल्ट बना है, और फिर आगे देखिए यहाँ पे फिर एक टाइटल आ रहा है, ये टाइटल, तो फिर ये एक्सप्रेस यहाँ पे टाइटल हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम टू टाइटल, टाइटल की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, टाइटल की वैल्यू थी यहाँ पे एक्सप्रेस, हमने देखा था टाइटल की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, एक्सप्रेस थी, ये की, ये वैल्यू, जैसे हम की लिखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वेलकम टू एक्सप्रेस, वेलकम टू एक्सप्रेस कैसे आया दोस्तों, यहाँ से वेलकम टू, ये टाइटल, टाइटल क्या है दोस्तों, ये की था, की का वैल्यू क्या था, की का वैल्यू था यहाँ पे एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से हमारा जो है आ जाएगा, ये हो गया टाइटल में एक्सप्रेस और ये एक्सप्रेस और वेलकम टू एक्सप्रेस, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो आइए फिर से विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है राउट्स, ठीक है दोस्तों, ये राउट्स जो है एक फाइल है जिसके अंदर दो फोल्डर हैं, एक इंडेक्स डॉट जे एस, एक यूजर डॉट जे एस। ये दोस्तों क्या है, सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, ये राउट्स राउट्स को हम कहते हैं कंट्रोलर। राउट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, राउट्स को हम कहते हैं यहाँ पे कंट्रोलर। आइए देखते हैं इसको आर्किटेक्चर इसका बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो राउटर है, ठीक है दोस्तों, इसमें दो कंट्रोलर होते हैं, इसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। राउटर क्या बोलते हैं दोस्तों, राउटर को बोलते हैं कंट्रोलर। क्या होते हैं दोस्तों कंट्रोलर, कंट्रोलर दो तरह के होते हैं दोस्तों, कौन कौन, ये जो होते हैं दोस्तों यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट जे एस, एक यूजर डॉट जे एस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इंडेक्स डॉट जे एस और एक था अपना यूजर डॉट जे एस, ठीक है दोस्तों। एक कंट्रोलर जो है एक इंडेक्स डॉट जे एस हो गया, एक यूजर डॉट जे एस हो गया, ठीक है दोस्तों। और इस कंट्रोलर में ये जो कंट्रोलर है हमारा इंडेक्स डॉट जे एस और यूजर डॉट जे एस, इसमें हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसमें हम लिखते हैं एक्शन। इसमें हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसमें हम लिखते हैं एक्शन, ठीक है दोस्तों, इसमें एक्शन लिखते हैं। ये जो हमारा इंडेक्स डॉट जे एस और यूजर डॉट जे एस कंट्रोलर है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इसको एग्जीक्यूट जो करता है, इसको करता है सर्वर। कौन एग्जीक्यूट करता है दोस्तों, इसको एग्जीक्यूट करता है सर्वर, ठीक है दोस्तों। और ये जो पूरा जो हमारा राउटर है, ये होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। और एक्शन जो है, एक्शन को कॉल करता है व्यू, एक्शन को कॉल करता है दोस्तों, एक्शन को कॉल करता है व्यूज, एक्शन को व्यूज कॉल करता है। और व्यूज में होती है हमारी सिंपल एचटीएमएल फाइल, व्यूज में होती है हमारी सिंपल एचटीएमएल फाइल। व्यू में क्या होती है दोस्तों, व्यू में होती है सिंपल एचटीएमएल फाइल। एक्शन में जो हम लिखते हैं वो, उसको हम कहते हैं रेस्ट यूपी एपीआई, इसको हम रेस्ट एपीआई कहते हैं, रेस्ट एपीआई कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, रेस्ट एपीआई कहते हैं। तो आइए एक बार समझते हैं इसको। ये दोस्तों जो है राउट्स, इसको हम कहते हैं कंट्रोलर, और इसमें कितने कंट्रोलर है, इंडेक्स डॉट जे एस और यूजर डॉट जे एस, दो कंट्रोलर है इसमें। और इसमें हम इंडेक्स डॉट जे एस, ये कंट्रोलर में हम क्या लिखते हैं, एक्शन, जो कि यहाँ पे ये बैक स्लैश के अंदर में हम लिखते हैं एक्शन। यहाँ पे खाली है सिर्फ लोकल होस्ट में, यहाँ पे 3000, हम देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 ही केवल लिखे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एक्शन में हम लिख देंगे वेलकम, क्या लिख दिया, वेलकम।